यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए यहाँ पे चोली लेके आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी चोली है, सिलाइयों से लेके आई हूँ। साथ में इसकी पैंट भी बनाऊंगी मैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऊन की बात कर ले, तो ऊन मेरी फोर प्लाई है पतली वाली, यहाँ पे उस वाली की मैंने फोर प्लाई ऊन ली हुई है। चार धागे दिख रहे होंगे आपके। और यहाँ पे जो मैंने सिलाई ली हुई है 10 नंबर की सिलाई ली हुई है। अब यहाँ पे सबसे पहले 18 फंदे डालेंगे हम इस तरह से, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 और ये 18, ठीक है। एक बार काउंट भी कर लेती हूँ यहाँ पे इस तरह से, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये 18, 18 फंदे हमने यहाँ पे बना लिए। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे उल्टे साइड से पहले एक सिलाई हम सीधी बना लेते हैं और इसके फिर आगे हम फंदा बढ़ाएंगे। इसमें 18 फंदे बनाने के बाद हम यहाँ पे पहली सिलाई सीधा सीधा बुनते हुए बनाएंगे। इस तरह से लिया, अब सारे फंदों को सीधा बना लेंगे, ज्यादा लूज नहीं बनाना है आपको, ठीक है। इस तरह से करते हुए पहली सिलाई हम यहाँ पे सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें आप लोग, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें हर दिन कुछ नया वीडियो देखने के लिए। तो इस तरह से करते हुए पहले हम ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं सीधा बुनते हुए। आ जाते हैं दूसरे सिलाई पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक निशान लगा लेते हैं ताकि आप भूले ना। यहाँ पे एक ले लेते हैं हम, यहाँ पे पिन ले लेते हैं और इस तरह से यहाँ पे निशान लगा ले, ठीक है, ताकि आप समझ में आ जाए कि हमें फंदे किधर बढ़ाने हैं। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसलिए सबसे पहले निशान लगा ले आप, या फिर कोई धागा लगा ले यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 18 फंदों में से सबसे पहला फंदा को हम इस तरह से स्लिप करेंगे, जैसे उल्टा बुनते हैं, ऐसे लिया, धागा पीछे करेंगे। धागा पीछे करने के बाद अब जो सेकंड वाला फंदा यानी दूसरे नंबर का जो फंदा आएगा, इसे पहले इस तरह से जैसे सीधा बुनते हैं इसी तरह से बुनेंगे। एक बार बुना, धागे को गिराना नहीं है, फंदे को गिराना नहीं है। अब इसी फंदे को पीछे साइड से जाएंगे और यहाँ पे इसे फिर से दोबारा बुन देंगे। तो एक फंदे से दो फंदा यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक फंदे से एक फंदा बढ़ गया, दो फंदे नहीं एक फंदा। अब इस तरह से बुनते हुए जाएंगे, फिर लास्ट से एक फंदा से रहने से पहले फिर हम यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे। से बुनते हुए हमारी दूसरी लाइन में हमने आपको हर बार हर सिलाई पे फंदे नहीं बढ़ाने हैं। आपको जैसे मैं पहली लाइन में सिंपल बुनी, दूसरी में फंदे बढ़ाया, फिर तीसरे में प्लेन बुनना है आपको, फिर चौथे में फंदे बढ़ाएंगे, इस तरह से करते हुए, ठीक है। अब देखिए एक फंदा रहने से पहले जो फंदा है इसमें हम इस तरह से पहले सीधा बुनेंगे ऐसे, फिर इसी फंदे को पीछे से एक बार और बुन देंगे। तो एक फंदा से एक फंदा बढ़ गया हमारा यहाँ पे। अब 18 से हमारे पास 20 फंदे हो गए, क्योंकि दो फंदे बढ़ गए, एक फंदा यहाँ पे और एक फंदा यहाँ पे। अब उल्टी साइड आ जाते हैं, इधर से पहला फंदा उतार लेंगे, बाकी बचे फंदे को हम जिस तरह से बुन रहे थे उसी तरह से बुनेंगे, धागा उधर कर लेंगे। साइड में हमारी चेन आई इसीलिए हम पहला फंदा उतार लेते हैं, ठीक है। अब इधर से सारे फंदों को हम यहाँ पे सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। चाहे तो आप इसे दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन के भी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से बुन लेती हूँ, ये लाइन पूरी प्लेन जाएगी हमारी। तो तीसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं चौथी सिलाई पे जहाँ हमने निशान लगाया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम एक फंदा पहले स्लिप करेंगे इस तरह से, धागे को पीछे करना है आपको। अब ये जो दूसरा नंबर का फंदा है पहले हम आगे साइड से सिलाई डालते हुए इस तरह से हम सीधा बनाएंगे, फिर इसी सिलाई को पीछे मुड़ते हुए इसी फंदे को हम एक बार और बुन देंगे। यहाँ पे एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी बचे फंदे को हम यहाँ पे सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे, फिर से हम लास्ट से एक फंदा पहले हम उसमें फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। तो इस तरह से आपको एक सिलाई पे फंदा बढ़ाना है और एक सिलाई आपको प्लेन बुनना है, और इसी तरह से करते जब तक हमारे पास 28 फंदे ना हो जाए तब तक आपको इसकी बुनाई करनी है, ठीक है। तो देखिए जैसे इस सिलाई में मैं बढ़ा रही हूँ, आपको फंदे इधर ही बढ़ाने, इसलिए निशान लगा ले, ठीक है। एक फंदा इधर बढ़ाएंगे, एक फंदा इधर, और 28 फंदे बुनने तक हम इसे बुनेंगे।
तब हमारे पास 22 फंदे हो गई होगी। ठीक है, ये जब हम बढ़ाएंगे तो 22 फंदे हो जाएंगे। इस फंदे को लेंगे, इस तरह से लिए हमने, सीधा बुना, फिर सिलाई को पीछे ले जाएंगे और इसी फंदे को पीछे साइड से एक बार सीधा बुन देंगे ऐसे, और इसे हम इस तरह से बुन लेंगे। ये हो गई। इस साइड में आपको क्या करना, पूरी सिलाई आपको सीधा सीधा बनाते हुए जाना है, फिर सीधी साइड आएंगे, फिर यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे, दो फंदा, एक फंदा यहाँ, एक फंदा यहाँ, ठीक है, फिर उल्टी साइड फिर से हम पूरा प्लेन बनाएंगे। तो चलिए इसी तरह से करते हुए 28 फंदे हम बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे 28 फंदे हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे काउंट करके दिखाती हूँ मैं आपको, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 26 और ये 28, टोटल हमारे पास 28 फंदे हो गए, जिधर हमने सीधा बनाया था उधर ही आ गए, जिधर फंदे बढ़ा रहे थे। अब यहाँ से 2 का 1 करते हुए इन सारे फंदों को हम बंद कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से लेंगे और ये फंदा फिर से वापस से सिलाई पे चढ़ाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फंदा वापस से सिलाई पे चढ़ाएंगे, 2 का 1 करेंगे, इस तरह से करते हुए सारे फंदे को बंद कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए सारे फंदे को हमने बंद कर लिया, अब यहाँ पे धागे को कट कर लिया, अब इस धागे को इसके अंदर से इस तरह से निकालेंगे और इसे हम टाइट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बन गई हमारी, और ये से हम खोल के रखते हैं। अब इस तरह से मैंने एक पीस और बना लेना आपको। ठीक है, 2 पीस मैंने बना लिया है इस तरह से, इसे इधर रखेंगे और इधर इस तरह रखेंगे। ठीक है, इसकी सिलाई अलग से होगी। तो चलिए अब हम इसे पैंट के लिए हम तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सिलाई पे मैंने 22 फंदे डाल लिए। ठीक है, 22 फंदे डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। ठीक है, जो आपको सुविधा लगे, उल्टा होता है उल्टा बुने, या फिर दोनों साइड से सीधा तो सीधा बुन सकती हैं। इस तरह से करते हुए पहले हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। उल्टा उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पे 4 सिलाइयाँ यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 4 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, यानी कि दो धारी बनने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए पहला फंदा इस तरह से लेंगे, इसे स्लिप करेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें फंदे बढ़ाने, ठीक है, तो इस तरह से अब लेंगे। अब फंदे में किस तरह से बढ़ाना है, देखिए ये जो फंदा है पहले हम उल्टा इस तरह से बुनेंगे। ठीक है, ऐसे डालते हुए देखिए सिलाई ऐसे डाला, इसके बाद यहाँ पे एक फंदा सीधा बनाया, फिर इसी फंदे को आगे साइड से करते हुए यहाँ पे एक फंदा बढ़ा देंगे। इसके बाद यहाँ से बुनते हुए जाएंगे, फिर लास्ट में एक फंदा बढ़ाएंगे हम। तो 20 फंदा लिया था, अभी हमें एक फंदा बढ़ाया तो 21 फंदा हो गया। लास्ट के एक फंदे रहने से पहले फिर हम फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा रहने से पहले फिर हम सिलाई किस तरह से डालेंगे, ये फंदा को हल्का सा लूज कर लेंगे। ठीक है, लूज करने के बाद इसे इस तरह से डालेंगे, पहले पीछे साइड से डालेंगे फंदे को, इस तरह से लिए हमने, एक फंदा उल्टा बनाया, फिर धागा आगे करते हुए सिलाई को भी आगे करते हुए इस तरह से इस फंदे को फिर हम उल्टा बना लेंगे। तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया, अब इस वाले फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे निशान लगा लें ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरह से लेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे, तब हमारे पास 22 फंदे हो गए, एक हमने यहाँ पे बढ़ाया, एक यहाँ पे बढ़ाया। अब इस साइड से पूरी सिलाई हम प्लेन बनाएंगे, यहाँ पे कोई भी फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला फंदा को हमने उतारा, धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से बुनेंगे। तो 5वीं सिलाई थी, ये हमारी 6ठी सिलाई है, 6ठी सिलाई पूरी हमारी इस तरह से प्लेन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी 6ठी सिलाई कंप्लीट हो जाती है। आ जाते 7वीं सिलाई पे, जिधर हमारी ये निशान लगी हुई। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना है, तो इस तरह से पहला फंदा को उतार लेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, इस वाले फंदे को फिर से देखिए हल्का सा लूज करेंगे और पहले पीछे साइड से सिलाई डालते हुए इस फंदे को उल्टा बुनेंगे ऐसे, इसी फंदे को फिर आगे साइड से एक बार उल्टा बुन देंगे। इसके बाद यहाँ से सारे फंदे बुनते हुए जाएंगे, लास्ट में एक फंदा रहने से पहले उस फंदे में हमें फिर से एक फंदा बढ़ाना है। ठीक है, तो ये हमारी 7वीं सिलाई चल रही है। तो इसमें भी हम इसी तरह से करते हुए टोटल 28 फंदे तक हम इसमें भी हम इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन हमने स्टार्ट से कितने फंदे से किया था, 20 फंदे से। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से कर लेते हैं। एक सिलाई पे आपको बनाना है और एक सिलाई पूरा प्लेन लेके जाना, जब 28 फंदे हो जाएंगे तो उसके बाद हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए पहले कर लेती हूँ मैं, एक बार और दिखा देती हूँ आपको। देखिए लास्ट में एक फंदा रह गया, इस फंदे को हल्का सा लूज करेंगे, इधर से सिलाई डालेंगे हम,
ऐसे डाला सिलाई हमने, अब इसे हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। अब इसी फंदे को आगे साइड से उल्टा बुन देंगे इस तरह से, लास्ट का फंदा उल्टा। अब इस साइड आठवीं सिलाई, आठवीं सिलाई पूरी उल्टी जाएगी। तभी कितने फंदे हो गए हमारे पास, काउंट कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और ये 26, ठीक है। तो अब एक बार ये हमारी आठवीं सिलाई जाएगी प्लेन, नौवीं सिलाई पे हम फंदा बढ़ाएंगे, उसके बाद कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए नौवीं सिलाई तक हमने यहाँ पे फंदा बढ़ा लिया, तो टोटल अब हमारे पास 28 फंदे हो गए हैं, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और ये 28। अब इसी 28 फंदे को हम थोड़ा सा और बुन लेंगे इसको, ठीक है। इसकी लगभग हम 3 से 6 सिलाई और बना लेते हैं, यानी ठीक है 3 धारी तक और बना लेते हैं, 3 से 6 धारी, 3 से 4 धारी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ आपको कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो बना लेती हूँ, चलिए बना के फिर दिखा। यहाँ पे देखिए जहां तक हमने निशान लगाया, यहां तक हमने इसके बाद जो हमने सिलाई बनाई हुई, देखिए कितनी सिलाई बनाई, 1, 2, 3 और ये 4 धारियां बनाई, यानी 4 × 8 सिलाई हमने बना के कंप्लीट की हुई, ठीक है। अब यहाँ पे धागे को हमने कट कर दिया। अब यहाँ पे हम येलो कलर का धागा लेंगे और थोड़े से क्रोशिया वर्क करेंगे नीचे पे, इस तरह से लेंगे हम। तो देखिए इधर जिसने हमने बढ़ाया था निशान लगा, इसे हम खोल देंगे, ठीक है। इसे हम उल्टा रखेंगे और इसे हम सीधा, ये भाग हम सीधा रखेंगे, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम वर्क करेंगे, यहाँ पे लेंगे, इस जगह पे हम क्रोशिया डालेंगे, इस तरह से इस धागे को यहाँ पे लेंगे, धागे को खींचते हुए लाना है और यहाँ पे देखिए हम इस तरह से लेंगे, एक चेन बनाएंगे और इसी जगह पे डालेंगे और यहाँ पे इस चेन से निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगली चेन पे डालेंगे हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 चेन दिख रही है, अगली वाली चेन पे डालेंगे, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। पहले सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद फिर से लेंगे एक और ये 2 चेन लेंगे और इसी चेन पे डालेंगे और यहाँ से हम इस तरह से इस चेन से निकाल लेंगे। फिर अगली वाली चेन पे डालेंगे, यहाँ भी हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसके बाद फिर हम एक और ये 2 चेन लेंगे, फिर इसी चेन पे डालेंगे और यहाँ से इस चेन से निकाल लेंगे इस तरह से। फिर अगली वाली चेन पे डालेंगे, ऐसे सिंगल क्रोशिया किया, फिर लेंगे एक और ये 2 चेन, फिर इसी चेन से निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, या तो फिर आप इसे स्लिप स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से लिया, इसमें डालेंगे और इस चेन से निकालेंगे स्लिप स्टिच, ठीक है। फिर अगली चेन पे डालेंगे, सिंगल क्रोशिया किया, फिर लेंगे एक और ये 2 चेन, फिर इस चेन पे ही डालेंगे जहां से हमने बनाया और इस चेन से निकालेंगे स्लिप करते हुए। तो इस तरह से हमारी कट वर्क बन के आ जाएगी, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैं पूरी लाइन कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसकी बुनाई कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चेन बनाते हुए धागे को कट कर लेंगे। अब इस धागे को अंदर की ओर कर लेते हैं, इसके बाद फिर इसके सिलने का तरीका मैं दिखाती हूँ कि कैसे सिलना है आपको। सामने धागा ना रखें तो फिर अच्छा नहीं लगता है ये, और अंदर कर देंगे तो फिर खुलेगा भी नहीं। इस तरह से अंदर कर दें इसे धागे को। अब यहाँ पे इसे कट कर लेंगे, चलिए। तो कुछ इस तरह से ये बन के आई है। अब देखिए इसे हम इस तरह से रखेंगे, ऐसे फोल्ड करना है आपको। फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पे हम 2 से 3 चेन छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे 1, 2 और ये 3, 3 चेन छोड़ देने के बाद इसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से। उल्टा हमने कर लिया, इसके बाद देखिए यहाँ पे लेंगे, अब इसकी सिलाई कर लेते हैं यहां से यहां तक। यहां तक हमने इसकी सिलाई की, फिर यहां भी लेंगे हम इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे ऐसे यहां पे। अब देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसे हम इस तरह से सीधा करेंगे, ठीक है। सीधा करने के बाद देखिए क्या करेंगे, अब एक सिलाई हम यहाँ पे नीचे लगा देंगे। इधर से हमने सिलाई किया हुआ इस तरह से छोड़ दिया हमने, अब एक सिलाई हम इसके बीच में लगा लेंगे, ऐसे रखेंगे सेंटर बराबर कर लें आप इसे। अब इसके बीच में देखिए ये जो डिजाइन है यहाँ नहीं लेंगे हम,
यहाँ जो नीचे जो दिख रही है लाइन हमें इसमें लेना है, और यहाँ जहाँ हमने सिलाई कर रहे थे यहाँ पे लेना है। इस तरह से इसे सिलाई कर लेंगे, बस एक से दो हम धागा इस तरह से करेंगे। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं, और यहाँ पे हम धागे को कट कर लेंगे। तो धागा अंदर की ओर लेके चले जाएंगे, इधर से ही हम अंदर की कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम एक गांठ लगा लेंगे ऐसे धागे को घुमाते हुए। चलिए तो यहाँ पे हम धागे को कट कर लेते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डोरी बनाते हुए हमने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है, ताकि पहनाने में आसानी होते। इस तरह से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं कमर पे इस तरह से, और इस डोरी पे नीचे साइड तो एक एक मोती लगा सकते हैं, छोटे साइज में मोती लगा ले आप इसे। अब इसे हम साइड करते हैं, आ जाते हैं चोली पे। चोली पे देखिए किस तरह से सिलाई करेंगे। अब देखिए दो पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है, दोनों इस तरह से, और आपस में इसे जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद देखिए आधा हिस्सा जहाँ पे आ रहा है देखिए इस तरह से ऐसे रखना, सॉरी ऐसे रखेंगे हम इसे। अब देखिए इसका आधा हिस्सा आ रहा है, तो आधा हिस्सा से देखिए हम इधर से इस तरह से यहाँ पे सिलेंगे, कुछ इस तरह से आएगी। ये जो दो पार्ट है हमारे इस तरह से फोल्ड हो जाएगी ऐसे, ठीक है। ऐसे फोल्ड हो जाने के बाद ये हमारी बाँह आ जाएगी इधर, और इधर भी बाँह। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा इसमें टाँक लेंगे, और पीछे साइड से हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए कहाँ पे सिलाई करना है, आधा भाग यहाँ पे आ रहा है इस तरह से, है ना, पहले इसे फोल्ड कर लें। आधा भाग यहाँ पे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे खोलेंगे इस तरह से, और हम थोड़ा सा इतने दूरी पर सिलाई करेंगे, नीचे से लेके यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर फोल्ड कर ले, फिर से एक बार दिखा देती हूँ। देखिए जैसे यहाँ तक आधा आ रहा है तो हम यहाँ तक नहीं सिलेंगे, यहाँ से हम इतनी दूरी तक सिलेंगे, यहाँ से इतनी दूरी तक, ठीक है। यहाँ से इतनी दूरी तक हमें सिल लेती हूँ, पहले ऐसे रखेंगे, इसके बाद नीचे से हम इतनी दूरी तक सिलेंगे, सिल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे सिल लिया, ठीक है, आधे भाग से हमने थोड़ा सा कम सिला। अब देख सकते हैं आधा भाग यहाँ पे, तो इसके नीचे से हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर ली। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे मैंने ये डिजाइन डाला हुआ है इसी तरह से हम यहाँ पे एक डिजाइन डाल लेते हैं, उसके बाद हम इसकी बांह की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊन ले लेते हैं। तो देखिए ये हमारा सीधा पार्ट है, ठीक है, ये उल्टा पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, सीधा पार्ट को अंदर की साइड से हम इस तरह से पकड़ेंगे, और यहाँ से हम इसकी जो बॉर्डर लाइन है देखिए ऐसी ही हमारी आएगी, ठीक है, बांह। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसे कर लेते हैं, ऐसे ले लेंगे, इस तरह से लिया हमने, ये हमारी बांह आ जाएगी ऐसे, देखिए इस तरह से रखेंगे, ठीक है, ये आगे आ जाएगी। और ये जो दिख रही है यहाँ पे जो हमने कम फंदे डाले हुए थे ये हमारी बांह आएगी। तो इतनी दूरी पे हम इसकी गोलाई पे बना लेते हैं सेम यही डिजाइन, ऐसे खोलेंगे और यहाँ से हम क्रोशिया डालेंगे, और यही डिजाइन रिपीट करेंगे जो हमने पैंट में बनाई हुई है। ऐसे लिया हमने, ठीक है, सॉरी, इस तरह से लेंगे हम, और इस धागे को खींचते हुए वापस आएंगे। यहाँ पे ऐसे लिया, इसे बांधा, एक चेन लेंगे इसी जगह पे, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर लेंगे एक और ये दो चेन सेम इसी जगह पे डालेंगे, और एक स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाली चेन पे डालेंगे यहाँ पे, फिर एक हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया पहले बनाएंगे, फिर लेंगे एक और ये दो चेन सेम इसी चेन पे डालेंगे, और एक स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से करते हुए यहाँ तक हम बनाएंगे, ठीक है, देखिए यहाँ तक बना लेंगे इसी तरह से। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड भी यहाँ से यहाँ तक बनाते हैं, इसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए हमारी ये ड्रेस बनके रेडी हो गई है, कुछ इस तरह से है। चाहे तो आप इस ड्रेस को जब पहनाने के बाद यहाँ पे अंदर कर सकते हैं, या फिर इस तरह से इसे पहना सकते हैं, सीधा रखें, या फिर चिटचैट बटन देके आप इसे इस तरह से क्रॉस करते हुए इसे बंद कर सकती हैं। तो देखिए कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही है हमारी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ, थैंक यू।